जिंदगी में जो चीजें इत्तेफाक से होती हैं, उनकी एक बात बहुत ही खास होती है, वो बिना दस्तक दिए आपकी जिंदगी में आती है और आपकी लाइफ पलक झपकते चेंज हो जाती है। अब वो चेंज आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपको याद जरूर रहता है। नाउ इमेजिन, इत्तेफाक से हुई कोई मुलाकात अगर मोहब्बत में बदल जाए तो इंटरेस्टिंग, राइट? हाय, मैं हूँ सुरभि और ये है प्यार तूने क्या किया सीजन 3। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक ऐसे ही इत्तेफाक की, यानी इत्तेफाक से हुई मुलाकात की जो कि मोहब्बत में बदल गई। ये कहानी है मुंबई के रहने वाले रोहन और कोमल की। आइए देखते हैं। क्या समझता है वो अपने आपको? कोई कदर ही नहीं है मेरे प्यार की। ब्रेकअप करने की हिम्मत कैसी हुई उस कपिल की? ओए ओए, रो क्यों रही है? तेरी एनिवर्सरी थी ना कल। सुना कपिल ने बड़ा बेकार सा गिफ्ट दिया तुझे। वैसे लड़का अच्छा है, यूज कर रहा था तुझे। यूज नहीं किया, उसे मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं थी। अच्छा सुन, तेरे और कपिल के बीच में दूसरी वाली प्रॉब्लम तो नहीं थी? यार चुप कर। ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या तुम? लात क्यों मारी? You insane? अगर मेरी गाड़ी कोई खरोच भी आ जाती ना, बैंड बजा देता मैं तुम्हारी। घूर क्या रही हुई है? चल गेट लॉक। सॉरी। अकूफ लड़की, साला धोखेबाज कमीना। जब मन में आए लव यू, जब मन में आए ब्रेकअप, सामने आएगा तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। यार कोमल, अब तो रेंट दे दे, 2 महीने हो गए हैं। डलवा देंगे ना डैडी, कल ही बोल देती हूँ, थोड़ा टाइम दे दे प्लीज। भाई प्लीज रेंट दिलवा दे, 2 महीने से मैं तेरा रेंट दे रही हूँ, अब पैसे नहीं है मेरे पास। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है, जब चाहे मुझे कॉल करोगे और मैं बात कर लूंगी? सामने तो आओ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ओए हेलो, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। काहे को लड़की है क्या तू? और ये मुंह तोड़ने की धमकी किसे दे रही है तू? पुलिस में दूंगा तुझे, समझी तू? पुलिस? बड़े गिरे हुए आदमी हो तुम कपिल। मैं तो तुम्हें कपिल, कौन कपिल? मैं रोहन बोल रहा हूँ, जिसकी कार पे तूने सुबह लात मारी थी ना, फिर मेरा एक्सीडेंट कराया, तेरी वजह से मेरी कार गैरेज में खड़ी है। वॉलेट तुम्हारे पास है? मुझे मेरा वॉलेट अभी चाहिए। दूंगा ना, एक बार तो मिल तो मुझे। अब तू कहीं भाग भी नहीं पाएगी, राइट? हेलो हेलो, एक सेकंड, कब तक भागोगी तुम? फोन बंद कर दो या कॉलेज आना बंद कर दो, ढूंढ तो मैं तुम्हें लूंगा ही। चलो पैसे निकालो। पैसे? किस बात के पैसे? मैंने कुछ? अरे मेरी गाड़ी रिपेयर कराने के पैसे।
तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी का जितना डैमेज हुआ है ना उसी के पैसे मांग रहा हूँ मैं, समझी तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? एक पैसा नहीं दूंगी। रीता राव, तुम पैसे कैसे नहीं दोगी? पैसे निकालो, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं तुमसे पैसे निकलवाने। पैसे निकालो। ये लो, दफा हो जाओ। चिल्लर, ये चिल्लर है ना, तुम अपने पास ही रखो। 50,000 बनते हैं मेरी गाड़ी के, पैसे दो। 50,000? किस बात के 50,000? कोई गुंडा कर दिया, तमाशा है? वे? अच्छा तरीका है पैसा ऐंठने का। चलो हटो सामने से, वरना सबको बुलाऊंगी, बोलूंगी कि जबरदस्ती पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। अरे कैसी पागल लड़की है यार ये, ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय तुम मुझ पर चढ़ रही हो। क्या तुम लोगों को बुलाओगी ना? एक सेकंड रुको, मैं बताया अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे बात करके? सीरियसली, लेट मी मेक अ कॉल टू पुलिस एंड लाइक, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने जान के नहीं किया, मैं वो गुस्से में थी और मैंने डब्बा फेंका, मुझे क्या पता कि तुम्हारे गाड़ी को आगे लगेगा। I'm sorry, please. यार लिसन, ये जो तुम्हारी बकवास की स्टोरी है ना, ये तुम अपने पास ही रखो। मेरी हेडलाइट, टेल लाइट और पेंट का 50,000 रुपए बनता है, पैसे दो और भाड़ में जाओ। 50,000 तो मेरे पास नहीं है, कहाँ से लाऊंगी मैं? चलो ठीक, तुम पे थोड़ा तरस खाता हूँ। Although तुम deserve तो बिल्कुल भी नहीं करती हो, लेकिन लड़की हो ना, क्या करें? तीन दिन है तुम्हारे पास, या तो मेरे पूरे पैसे दो या मेरी गाड़ी चल के रिपेयर कराओ, समझी तुम? और अगर तुमने 3 दिन में मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, समझी? और हाँ, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये तुम जो फोन बंद कर रही हो, रिसीव नहीं कर रही, ये सब जो है ना, मत करना प्लीज, बहुत भारी पड़ेगा। और राइट, और हाँ, ये लो तुम्हारा गंदा सा वॉलेट। ₹200 किलो गम, गॉड जी बता दो जाए कहाँ पे हम। ज्यादा तकलीफ है, थोड़ी सी रिलीफ है, आजकल दुनिया में बोलो कौन ठीक है। ऊपर से तेरे मम्मी पापा भाई आपा, जब से हो कभी को संतरा मारे, कभी को गोली मारे, कभी को गाली दे रहे, कभी को धमकी दे रहे, यार बहुत कोशिश की, कहीं से भी 50,000 क्या 500 रुपए भी जमा नहीं हो पा रहे। तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? मैंने देखा है उसे कॉलेज के बाहर, क्या क्यूट दिखता है ना, और उसकी गाड़ी देखी है, कितनी ऑसम है, उसके लिए मैं अपनी जान दे दूँ। 50,000 क्या चीज है? यहाँ मेरी जान पे आ बनी है और तुझे मजाक सूझ रही है? तेरे पास कोई ऑप्शन है ना? ही तूने रेंट दिया है घर का, प्लीज इस बार तू पहले रेंट दे दे। यार मैं करूँ तो क्या करूँ, तो कुछ कर सकती है क्या? देख, 2 महीने से मैं ही तेरा बिल दे रही हूँ, तेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे रही हूँ, फोन बिल्स दे रही हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मिसेस कपूर इतनी बात करती, मैं तो थक गई। मॉम, डैड, क्या बात है बेटे, सोए नहीं अभी तक, कब आए तुम? थोड़ी देर पहले। खाना खा लिया? नहीं मॉम, मैं आप लोग का वेट कर रहा था कि आप लोग आ जाएंगे तो सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। आई एम सॉरी रोहन, हम लोग वहाँ से किसी पार्टी में चले गए, वहाँ फोन करना ही भूल गए, तो मैं तुम्हें फोन कर देता, तुम खाना खा लो। ओके डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप लोगों के पास मेरे लिए 5 मिनट हो तो। रोहन, आई एम टू टायर्ड, सुबह बात करें। तेरे पापा को मीटिंग के लिए जाना है तो मुझे पैकिंग भी करनी है, सुबह बात कर लेते हैं ना। मीटिंग, पार्टी, स्ट्रिप्स, बस यही तो है इनकी लाइफ, मैं तो हूं ही नहीं। मतलब इतने बड़े घर में फर्नीचर और दीवारों से बातें करके बड़ा हुआ हूं मैं मॉम। आप लोग जानते हैं मुझ पे क्या बीतती है जब आप लोग मुझे टाइम नहीं देते, कैसे पता चलेगा? आप लोग तो अपनी पार्टीज में इतना बिजी रहते। क्या चाहिए, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए बोलो। डैड, आपको क्या लगता है क्या मैं आपसे पैसे के लिए बातें करता हूँ?
डैड आपको याद है कि आपने आखिरी बार मुझसे बात कब की थी? मॉम आपको याद है कि आपने आखिरी बार मेरे साथ खाना कब खाया था? ठीक है फाइन, अगर मुझे इतने बड़े घर में माँ बाप होते हुए भी अकेला रहना है तो क्यों ना मैं घर ही छोड़ता, अकेला रहता, आप लोग भी खुश रहेंगे और मैं भी। इट्स ओके डैड, कोई बात, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। रोहन बेटा, रोहन क्या हो गया लड़के को? हे, तीन दिन कब के बीत गए, चलो पैसे निकालो, मेरे पैसे कहाँ हैं? यार गाइस प्लीज यार, तुम लोग बीच में मत आओ, इसने मेरा नुकसान किया और इसे भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, मैं इसे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ, चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ तुम्हें होना चाहिए, you know, पुलिस स्टेशन is the best place for you. मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम गरीब हो तो ये वो कैन मुझे मारने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें? अब तुम पैसे कहाँ से लाओगी, क्या करोगी, ये मेरा एडिक नहीं है, just get my car repair, okay? पैसे चाहिए, ये ले पैसे, और तू पैसे, ये ले, खोपड़ी तोड़ दूंगी आज तेरी, ये ले, खा पैसे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाता, ओके? मैं काम करता, मैं क्यों ना तुम्हें कहीं सुनसान सी जगह जाके छोड़ देता हूँ, शाम को बेवड़े आएंगे, उन्हें भेज दूंगा, पैसे ही मिल जाएंगे, राइट? ये सही रहेगा। ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत गरीब हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, 50,000 क्या 5,000 भी नहीं है मेरे पास। So, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है पैसे देने का, पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक तरीका है तो करोगी? बोलो जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, अभी तो यार हम स्टार्विंग, कुछ खा के आते हैं। ऑलराइट, खाओगी? अरे नहीं यार, मैं क्या सोच रहा था कि तुम ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी, रहने दो। Well, solution ये है कि तुम मेरे कार रिपेयरिंग के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे सकती हो, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट्स तुम्हें पूरी एक महीने में देनी होंगी। आई मीन अगर तुम मुझे डेली कुछ पैसे देती हो तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 1600 पर डे, सिंपल। और अगर मैं नहीं दे पाई तो? मैं यहाँ तुम्हें सॉल्यूशन बताने लाया हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने नहीं, समझी तुम? और यार अगर तुम वो भी नहीं कर सकती ना, तो मैं तो वही करूंगा जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, आई एम सॉरी। अच्छा एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, एक इसे पकड़ो, खाना मत, पकड़ो उसे, दो ये लो पेपर और ये लो पेन, अब तुम इसमें लिखो कि अगर मैं रोहन को इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाई तो उसके घर 30 days एज अ मेड काम करूंगी। नौकर और तुम्हारी, गलत है ये। गलत नहीं, सॉल्यूशन है ये, समझी तुम? मैं तुम्हारी नौकर नहीं बनूंगी,
तुम अगर नहीं कर पा रही तो मैं काम करता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके कहता हूँ कि भैया अंकल आंटी आपकी बच्ची उसकी बाकी की ग्रेजुएशन जेल में पूरी करेगी। ऑलराइट? ये इमोशनल ब्लैकमेल है, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। देखो बालिक, भगवान से तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले तुमसे तो निपट ले। 30 days, अगर तुमने इन 30 दिन में नहीं मेरे पैसे चुका तो I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब लिखो, साइन करो जल्दी। हो गया, कूल। कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? अरे अब रोहन किसी भी हाल में कोमल को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में कोई चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी तो वो थी उसकी गाड़ी, उसकी कार। Now you can imagine ना कि कोमल से कितनी बड़ी गलती हो गई। And कोमल, उसकी लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे थे, ये चीज और काउंट हो गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा। पैसे तो 4 दिन भी नहीं चलेंगे, और पैसे कहाँ से लाऊं? हेलो, इंस्टॉलमेंट्स की डेट शुरू हो चुकी है मैडम। हाँ, कहाँ आना है बताओ, पैसे रेडी है। ओ, एटीट्यूड। हाँ, नाइस। आई एम इम्प्रेस। एनीवे, मैं तुम्हारे पीजी के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ, ओके? ये लो तुम्हारे पैसे, 3 दिन की इंस्टॉलमेंट है। अब प्लीज यहां से चले जाओ और यहां मत दिखना। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है वहां आने का जहां तुम जैसी चुड़ैल रहती हो, समझी तुम? क्या पता क्या फेंक के मार दे? वो तो बस ये मेरे पैसे है ना तुमसे, इसलिए थोड़ी नजर रखना पड़ती है। नहीं, भाग नहीं जाऊंगी, ठीक है? दे दिए ना तुम्हारे पैसे, अब प्लीज यहां से चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। सुनो, ये मत समझना कि इतने पैसे देकर तुम बच गए, ये सिर्फ 3 दिन के लिए। हाँ, अब जाओ यहाँ से। इसका फोन, क्या करूं, पैसे तो नहीं है और फोन नहीं उठाऊंगी तो घर कॉलेज हर जगह टपक जाएगा। हेलो, कहाँ भागने की तैयारी है मैडम? कहीं नहीं, घर पे ही हूँ। अच्छा, वेल तुम जहाँ पे भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पैसे कहाँ हैं? 3 दिन कब के बीत गए? पैसे तो नहीं है, मगर मैं क्या कह रही थी, अगर मैं 3-4 दिन का एक साथ आकर दे दूँ तो? क्या मैं तुम्हारे थोपड़े का शेप बिगाड़ सकता हूँ? चुपचाप मेरे पैसे देती रहो, वरना मेरे घर पे आके काम करो, समझी तुम? सुनो, फोन जो है ना एक बार में उठाए कर। ऑलराइट, घर का एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। पैसे नहीं आए ना तो कल से काम पे आ जाना, ओके? वैसे क्या काम करना होगा?
मेरे तो एल लग गए समझे, मेरे तो एल लग गए। सा 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 नी सा नी सा नी सा पानी सा पानी सा गरी नी सा सा नी ता पा मगरी सा। मेरे तो एल लग गए, 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 एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी आओ। कहाँ गायब रहती है यार आजकल तू, बहुत ऐश कर रही है क्यों नहीं? और मकान मालिक की बातें सारी मैं सुनूं? प्लीज सारे बिल्स पे कर दे प्लीज। आज ही वो एक नई लड़की को लाया था घर दिखाने, तुझे निकाल देंगे अब। तूने कुछ किया नहीं, प्लीज कुछ मैनेज करना, मैं 2-3 दिन में दे दूंगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। ये सब क्या है, यहाँ शिफ्ट होने आई हो क्या तुम? वो पीजी खाली करना पड़ा, रेंट का थोड़ा इशू हो गया था। ओह गॉड, तुमने वहाँ भी रेंट नहीं भरा? क्या अल्टीमेट पीस हो यार तुम। वेल एनीवेज, मेरे लिए तो अच्छा, मैं मेड ढूंढ भी रहा था जो मेरे घर 24/7 रहे, खाना बनाए, घर की सफाई करे। इट्स गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ अंदर। ठीक है, मत मदद करो। ए अंदर आओ। यू नो यहाँ मुंबई में लोग जान दे देंगे लेकिन तुम्हें घर नहीं देंगे। कहते हैं ना, किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स बता कर नहीं आती, कभी भी कहीं भी आ सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिना बुलाए। अब जैसे कोमल की जिंदगी में देखें तो एक के बाद एक नई नई प्रॉब्लम्स आए जा रही है। वेल शायद इसी को कहते हैं मुंबई की स्ट्रगल। लेकिन कोमल की ये स्ट्रगल और टॉर्चर थोड़ा अलग किस्म का था, और जैसे वो कोमल जो अब तक खुद टॉर्चर होती आई थी, अब उसकी वजह से रोहन टॉर्चर हो रहा था। मॉम क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? थोड़ा काम कर रहा था। ये कौन है? ये मॉम मेड है, पानी लेके आ जाओ। आइए मॉम, बैठिए आप। क्या है ये, कैसे? मैं ठीक हूँ, तू बता। तू आजकल मुझे मिलने भी नहीं आता, डैड का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा है बेटा? चल घर चल। नहीं मैं, मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ, मुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन उस घर में मैं रुकने कभी नहीं आऊंगा। I'm sorry. और माँ, माँ मैं आपसे गुस्सा क्यों हूँ बताइए? इनफैक्ट मैं तो आपसे मिलने आने ही वाला था। नहीं आना तो मत आ, पर झूठ मत बोल।
मैं जानती हूँ तुझे, छोटे से पालकर तुम्हें बड़ा किया, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। कहां से और कैसे बोल रहा है तू? आऊंगा नहीं घर में, ये देख हलवा बना के लाई हूं तेरे लिए, खा लेना। हाँ, और पैसे चाहिए तुझे? पैसे चाहिए होंगे तुझे? नहीं माँ, नहीं चाहिए। जरूरत पड़े तो मांग लेना। डैड कैसे माँ? ठीक है, तू अपना ध्यान रखना, मेरा बच्चा। बहुत खर्चे हैं तुम्हारे, पैसे खत्म हो गए तो अपने घर से ले लेना, मुझसे नहीं। मेरे पास पैसे नहीं तुम्हारे फालतू खर्चे के लिए। और इन पैसों से तुमने कार क्यों नहीं बनाई अपनी? और ये एहसान मैं किस खुशी में करूं? और सुनो, ये जो तुम्हारी एडवाइस है ना, तुम अपने पास ही रखो। एक तुम्हारे लिए भी खरीदे हैं मैंने कपड़े, और अपनी आवाज बंद रखो बस। अब यार, अभी टायर किसने पंचर किया? चलो पार्टी में चलते हैं, वैसे लेट हो गए यार। पूछो। तुम इतनी रिजर्व क्यों रहते हो? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? You should open up. वो कैसे? कभी-कभी स्माइल किया करो। और अपनी फैमिली है ना, उनके बारे में ये नेगेटिविटी निकाल दो। एक फैमिली तो होती है जो हमें अपनी दुनिया में लाती है। खुश रहो यार।
रोहन? चलो ड्राइवर। हुआ क्या? तुझे खुद पता नहीं क्या हुआ? पूरी जिंदगी जो इज्जत मैंने कमाई है उसे तू खुलेआम लुटा रहा है। दिस इज रियली शेमफुल रोहन। हमारी सोसाइटी में इतनी अच्छी लड़कियां हैं और तुझे बेड़ी मिली है प्यार करने के लिए। लिसन रोहन, ये नाम और पैसे के बल पर जो तू शहर में घूमता फिरता है ना, उसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेड से इश्क लड़ाने के लिए नहीं। And I will not tolerate this in my house. तो इसे इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिला सकता। वो चाहे तू ही क्यों ना हो। गलत। नाम और पैसा, इसके सिवा दिया है क्या आपने मुझे? क्या दिया? And by the way, Dad, वो मेड नहीं है। समझे आप लोग? Don't call her maid. He's gone out of his mind. पागल हो गया ये। इसको समझ में नहीं आ रहा ये बोलता क्या? कभी बोलता है मेड है, कभी बोलता है मेड नहीं है। What are you trying to say, Rohan? तू कोई अनाथ नहीं है। तू किसी के साथ कभी भी कुछ भी करेगा। रोहन, मैंने तुझे फ्रीडम दी है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज। फ्रीडम नहीं दी है डैडा, ये कहिए कि टाइम नहीं दिया। अरे आपको अपनी हाई क्लास पार्टीज और बिजनेस मीटिंग से फुर्सत मिले तो आप इस बेटे के बारे में सोचेंगे ना? लेकिन आपका तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा ना? क्यों? लॉस हो जाएगा, डैड की मंथली कम डाउन हो जाएगी। हाथ मत उठाइए बहन दीजिए। और तू चल यहां से, हमें यहां तमाशा नहीं करना है, समझ गया ना? दर्शन रोहन, लाइफ एंजॉय करनी है ना, बहुत अच्छे से कर, कोई नहीं रोकेगा तुझे। जिसके साथ करनी है कर, लेकिन बस मेरी एक बात याद रखना, ये प्यार मोहब्बत वाले सीरियसनेस को पालना मत अपने अंदर, और वो भी ऐसी लड़की के साथ जो हमारे बराबर खड़े होने लायक ना हो, समझा? तो डिड गेट इट? कहाँ ये? एंड यू, तुम कोई दूसरा घर ढूंढो, समझे? तो बस पैसा देखा और चली लूट ले। गेट आउट फ्रॉम हियर। रुक, देखा चले यहां से। स्टूपिड। कुमल, कुमल प्लीज यार, वो नहीं समझेंगे। आई लव यू यार, मैं सबसे बात कर लूंगा। प्लीज डोंट गो एनीवेयर कुमल, आई रियली लव यू, प्लीज। सही तो कह रहे तुम्हारे डैड रोहन, मैं तुम्हारी मेरी तो हूँ और मेरी तुम्हारे जैसी हैसियत भी नहीं है। अच्छा हो गया कि मैं वापस चली जाऊँ। नहीं कुमल, कुमल प्लीज, कुमल, 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 तो तुम यहाँ रह सकती हो? पैसे जल्दी लौटा दूंगी, प्लीज। प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती।
वाले सीरियसनेस को पालना मत अपने, और वो भी ऐसी लड़की के साथ जो हमारे बराबर खड़े होने लायक ना हो, समझा? तो यू कोई दूसरा घर ढूंढो, समझे? तो बस पैसा देखा और चली लूटते गाइस, इफ यू आर इन लव दैट डजंट मीन आपकी जिंदगी में सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो। नो डाउट प्यार आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन कई बार सिचुएशन बिगड़ जाती है जब आपको बैठकर सोचना पड़ता है कि बॉस अब क्या करें। जैसे इस लव स्टोरी में भी अब सब कुछ रोहन के हाथों में था, यानी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, देन कोमल को मनाना और जरूरत पड़ने पर इन दोनों में से किसी एक को चुनना, क्योंकि प्यार वो कोमल से भी करता था और अपने पेरेंट्स से। यानी इस वक्त उसे इमोशनली भी सोचना था एंड प्रैक्टिकली। कोमल, कोमल मेरी बात सुन, कोमल प्लीज, कोमल कोमल मेरी बात सुनो। कोमल वो नहीं समझते, लेकिन कोमल बचपन से लेके माँ बाप ने मेरे बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया, बस कुछ नहीं दिया तो वो प्यार और उनका साथ। लेकिन कोमल तुम तो मुझे समझती हो ना। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, वैसे भी हम जानते क्या एक दूसरे के बारे में। वो अच्छा इत्तेफाक था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें देख लिया और सब कुछ सामने आ गया, वरना मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। रोहन में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पास तो अपने खुद के घर के रेंट देने की पैसे नहीं, तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए तुम्हारे घर पे मुझे मेड बनना पड़ा। गलती मेरी है, मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए था। वैसे भी कल हमारे अग्रीमेंट का आखिरी दिन था। देखो, और अगर मैंने तुम्हारे पैसे चुका दिए हो तो प्लीज मुझे फ्री कर दो। नहीं कोमल, कोमल प्लीज, कोमल कोमल। गरम गरम खाना। अरे रोहन, आज के बाद बाहर का खाना बंद, सब घर का खाना खाएंगे। कम से कम साथ में टाइम तो स्पेंड कर लेंगे हम लोग। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मेरे और कोमल के बारे में। नो रोहन, एंड नाउ लिसन टू मी, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस इश्यू, यू गेट इट? इस बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो स्टैंड बदलने वाला नहीं, और बेहतर होगा रोहन के तुम भी इस बारे में सोचना बंद ही कर दो। डैड, आप लोगों ने कभी मुझे अपना टाइम ही नहीं दिया। जब कोमल मेरी लाइफ में आई, उसने मेरी केयर भी की और अपना सारा टाइम भी दिया, और अब आप कहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं। डैड, जब आप लोग मेरे साथ नहीं थे तब कोमल मेरे साथ थी। आई एम सॉरी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। देखो, यू जॉइन माय बिजनेस, अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें लाइफ एंजॉय करनी है तो तुम कहीं बाहर चले जाओ। गो आउट ऑफ इंडिया, एंजॉय योरसेल्फ, ओके? सब समझ गए मेरा, मैं आउट ऑफ इंडिया ही क्यों, आपके घर से आउट हो जाता हूं। I mean, that will be better for all of us, right? यार, ये जो आपका पैसा है ना, वो हर काम नहीं आ सकता। In fact, मेरे तो बिल्कुल भी काम नहीं है। जिंदगी भर आपके पैसे पे पलता रहूं और एक दिन बूढ़ा होकर मर जाऊं। सीरियसली डैड, आपने सही कहा कि मुझे सीरियसली अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, और मैंने सोच लिया, मैं आपका घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता हूं।
कहाँ जाऊंगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। बेफिक्र रहिएगा डैड, मैं आपका नाम भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ख्याल रखिएगा बेटा, खाना तो खा ले, खाने से उठ के नहीं जाते। रोहन, रोहन बेटा। अब बहुत हो गया कोमल, मेरे पास और पैसे नहीं है, प्लीज जस्ट लीव। नहीं दिया तो घर से निकाल दिया। और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो सब बता दिया है मैंने। मेरे कर्जे से निकलना इतना आसान नहीं है। मेरे पास भी अब पैसे नहीं है। मैं पैसे भी मैं उड़ाता था, वो डैड के ही तो थे। उन्हीं की गाड़ी, उन्हीं का घर, उन्हीं का एटीएम कार्ड, उन्हीं का सो कॉल्ड पैसा और ऐसा सब कुछ उन्हीं का ही था। मेरा तो कभी कुछ था ही नहीं। कुमुद, कभी कभी अपना घर भी किराए का लगता है और आप बिना निकाले भी निकाल दिए जाते। अब कुछ नहीं है उनका मेरे पास। जो चाहो कुमुद, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डैड का पैसा, गाड़ी, इज्जत, शोहरत, मुझे कुछ नहीं। भले ही होंगे, सिर्फ चाहिए तुम्हारा प्यार और हमारे साथ। पर मेरा साथ जो तूने दिया, अगर तुम मेरे साथ होगी तो कोमल हम घर क्या, हम एक साथ अपनी दुनिया बना सकते हैं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। नफरत भरे मेरे यार, आई लव यू कोमल। ठीक कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वेल, रोहन के घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेला था, क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी भी उसे अपनी अटेंशन नहीं दे पाए, और उसका ये अकेलापन दूर किया कोमल ने। वेल, इन दोनों की शुरुआत झगड़े से हुई थी, लेकिन बाद में कोमल ने उसके न्यू रेंटेड फ्लैट को एक नई एनर्जी से भर दिया। यू नो, उस घर में रौनक छा गई। फिर रोहन ने वही किया जो कोई भी सच्चा प्यार करने वाला करता है, यानी उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ के परमानेंटली कोमल के साथ रहना शुरू कर दिया। वेल, उसने वही किया जो ठीक था, उसने सच का साथ दिया, मोहब्बत का साथ दिया। इसी को शायद प्यार कहते हैं, नहीं? तो ये थी हमारी आज की लव स्टोरी। इसका हीरो था रोहन और हीरोइन थी कोमल। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इनकी जगह हीरो या हीरोइन होते तो क्या करते?
प्लीज अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए @ptkk.twitter.com/zingtv पर या फिर facebook.com/zingtv पर। नेक्स्ट वीक हम फिर से आएंगे नए हीरो हीरोइन की एक नई लव स्टोरी लेकर। तब तक आप ये सोचिए कि आप अपने प्यार के लिए जो कुछ कर रहे हैं क्या वो ठीक है या कुछ और करना चाहिए। दिस इज मी सुरभि साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।